नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। NTA UGC नेट हिस्ट्री UGC नेट इतिहास की ऑनलाइन क्लास 68 है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मध्य पाषाण काल की विस्तृत जानकारी। दोस्तों 67 वीडियो में जो मैंने आपको बताया था पुरापाषाण काल की पूरी जानकारी, आज है मध्य पाषाण काल की विस्तृत जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जीआर पर आप हमारा बायोडाटा देख सकते हैं, ठीक है। PhD एक बार GRF और 4 बार नेट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपको आपके पास में अगर हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है तो आप हमारी वीडियो की PDF भी ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8755475312, ठीक है। आप इनसे जो व्हाट्सएप ये है और कॉल भी कर सकते हैं आप और PDF ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब मध्य पाषाण काल की पूरी जानकारी देंगे हम। मध्य पाषाण युग का आरंभ 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। यह पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। धीरे धीरे तापक्रम बढ़ा और मौसम गर्म और सूखा होने लगा। इस परिवर्तन से मनुष्य का जीवन प्रभावित हुआ। पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों की किस्मों में या प्रजातियों में परिवर्तन हुआ। औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ और मनुष्य छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करता ही रहा, पर शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन हुआ। अब न केवल बड़े बल्कि छोटे जानवरों का भी शिकार होने लगा। ये भौतिक एवं पारिस्थितिक परिवर्तन पत्थर पर हुई चित्रकारी से भी प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा भीमबेटका की जो शैल चित्र है, वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर एक क्या कहते हैं एक बहुत बड़े विशालकाय हाथी है या जानवर है कोई, तो उसको मारते हुए चित्र दिखाया गया है वहाँ पर। तो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में हुई जब सी एल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। इसके पश्चात देश के विभिन्न भागों से इस प्रकार के पाषाण उपकरण खोज निकाले गए। प्रमुख औजार क्या क्या थे? मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिथिक यानी कि माइक्रो मतलब बिल्कुल पतला बहुत छोटा, माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। इनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं दोस्तों 8 सेंटीमीटर कितना होता है जैसे हाथ की लंबाई, इतने बड़े बड़े उनके औजार थे 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक। कुछ सूक्ष्म औजारों का आकार ज्यामितीय है। इसमें ब्लेड, क्रोड, नुकीले त्रिकोण और नवचंद्राकार प्रमुख ज्यामितीय औजार हैं। कुछ स्थानों से हड्डी तथा सींग से बने उपकरण भी मिलते हैं। पाषाण उपकरण चैट, फिलेंट, कैल्सीडोनी, स्फटिक, जेस्पर, कार्नेलियन, अगेट जैसे कीमती पत्थरों से निर्मित हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि पुरापाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर नहीं मिले हैं। मिलने जब शुरू हुए हैं भारत में तो मध्य पाषाण काल से शुरू हुए हैं। कभी भी ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि पुरापाषाण काल में कहाँ मिले थे, दोस्तों अभी तक नहीं मिले हैं। इस काल के कुछ प्रमुख औजारों का विवेचन निम्नलिखित है। जैसे ब्लेड एक प्रकार का विशेषीकृत पत्थर होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी होती है। इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता था। मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक को फ्लूटिंग, नोट डाउन करना दोस्तों फ्लूटिंग, ठीक है फ्लूटिंग कहा जाता है। क्रोड
यह आकार में बेलनाकार होता है, जिसकी पूरी लंबाई में फ्लूटिंग के निशान होते हैं और इसमें एक सपाट प्लेटफार्म होता है। दोस्तों जैसे ये आप देख रहे हैं क्रोड नुकीले औजार, इनकी एक मैं वीडियो लेकर आऊँगा एक दिन, जिसमें सारे जो औजार हैं मुख्य मुख्य उनकी वीडियो लेकर आऊँगा केवल, तो आप उसको देखना ना भूलें। नुकीले औजार पॉइंट उसको बोलते हैं इंग्लिश में। यह एक प्रकार का टूटा तिकोना ब्लेड होता है, इसके दोनों सिरे ढलवा तथा ढालदार होते हैं। इसके सिरे सरल रेखीय या वक्र रेखीय भी हो सकते हैं। चौथा था त्रिकोण या ट्रायंगल। इसमें साधारणतया एक सिरा एवं एक आधार होता है और सिरे को धारदार बनाया जाता है। इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है तथा इसे तीर के अग्रभाग में भी लगाया जाता है। नवचंद्राकार लूनेट। यह औजार भी एक तरह का ब्लेड होता है, लेकिन इसका एक सिरा वृत्ताकार होता है। इसका उपयोग अवतल कटाई के लिए किया जाता है। ऐसे दो औजारों को मिलाकर तीर का अग्रभाग तैयार किया जाता है। समलंब औजार ट्रेबेज। यह भी एक ब्लेड के समान दिखाई पड़ता है, इसमें एक से अधिक सिरे धारदार होते हैं। किसी किसी समलंब औजार के तीन सिरे धारदार होते हैं। इसका उपयोग तीर के अग्रभाग के रूप में होता होगा। दोस्तों मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं अब उनको देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं वो उनके स्थलों में से ही आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान, विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि आजमगढ़ और जो बागौर है दोस्तों राजस्थान में पाए गए हैं, विशेष महत्वपूर्ण है। हर बार जो है एग्ज़ाम में, मैं बता रहा हूँ 90% एग्ज़ाम में आता है राजस्थान के ये दो। यहाँ पचपद्र नदी घाटी और सोजत इलाके में सूक्ष्म औजार काफ़ी मात्रा में मिले हैं। यहाँ पाई गई एक महत्वपूर्ण बस्ती तिलवारा है, नोट डाउन करना तिलवारा। तिलवारा में दो सांस्कृतिक स्थल या तिलवारा में दो सांस्कृतिक चरण स्तर जो हैं पाए गए हैं। पहला चरण मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है तथा इस चरण की विशेषता सूक्ष्म औजारों का पाया जाना है। दोस्तों इस स्तर का मतलब बता दूं आपको, जैसे वहाँ पर एक बार खुदाई की, ठीक है, खुदाई में उन्होंने क्या देखा, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में इतने जगह मर खुदाई की और यहाँ तक उन्होंने खुदाई की, तो उस खुदाई में दो स्तर, पहले स्तर यहाँ तक का, ठीक है, फिर उसके बीच में कुछ ऐसी औजार मिलने बंद हो गए, फिर उन्होंने और खोदा नीचे, ठीक है, और खोदते गए तो फिर दूसरी उन्हें सभ्यता मिली। तो तिलवारा में दो स्तर पाए गए हैं, पहला स्तर ये वाला, दूसरा स्तर ये वाला। दूसरे चरण में चाक पर बने हुए मिट्टी के बर्तन और लोहे के टुकड़े इन सूक्ष्म औजारों के साथ पाए गए हैं। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर, नोट डाउन करना विशेष महत्वपूर्ण दोस्तों, कोठारी भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। नोट डाउन करना सबसे बड़ा है ये। यहाँ 1968 से 1970 तक यानी कि तीन सालों में तक बीएन स्मिथ ने उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ तीन सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से, दोस्तों रेडियो कार्बन जो डेटिंग पद्धति है उससे फॉसिल्स जो पत्थर वगैरह होते हैं उसकी जो आयु कितनी है, ठीक है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से अवस्था एक या संस्कृति की सबसे प्रारंभिक अवस्था का 5000 से ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व निश्चित किया गया है। यानी कि बागौर की साइट पर जो फॉसिल्स मिले हैं तो उसमें जो रेडियो कार्बन डेटिंग से कुछ पता लगाया था, तो उसका जो प्रारंभिक अवस्था का जो समय है वो 5000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व निश्चित किया गया है। पूरे स्थल में जंगली
और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां मिलती हैं। तीनों चरणों से संबंधित कब्रें भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ मानव कंकाल भी मिला है। नोट डाउन करें दोस्तों, यहाँ मानव कंकाल भी मिला है। झोपड़ियों और खड़ंजों द्वारा फर्शों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो रास्ते पर जो गांव देहात में जो खड़ंजे वगैरह होते हैं, ठीक है, घर में सभी के फर्श ज़्यादातर फर्श होते हैं, तो वो भी घरों में फर्श मिले हैं वहाँ पर खुदाई में। यहाँ का उद्योग मुख्य रूप से फलकों पर आधारित है। पत्थर की वस्तुओं में छल्ला पत्थर भी शामिल है। गुजरात, यहाँ ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती नदियों के आसपास कई मध्यपाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इनमें अक्खज, बलसाना, हीरपुर, लंगनाज, नोट डाउन करना, विशेष महत्वपूर्ण लंगनाज महत्वपूर्ण स्थल है। इनमें से एच डी संकलीय द्वारा उत्खनित लंगनाज स्थल की विशेषता यह है कि शुष्क क्षेत्र में उद्घाटित यह पहला स्थल है जिससे मध्य पाषाणिक संस्कृति के विकास के क्रम का पता चलता है। यहाँ रेत के ठोस टीलों के 100 से अधिक स्थल मिले हैं। लंगनाज में भी 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई हैं। पहले चरण में सूक्ष्म पाषाण उपकरण, कवरें और पशुओं की हड्डियां मिली हैं। सूक्ष्म औजारों में ब्लेड, त्रिकोणीय औजार, अर्धचंद्राकार औजार, खुरचनी और तक्षणी प्रमुख हैं। यहां से 14 नरकंकाल भी प्राप्त हुए हैं। नोट डाउन करना दोस्तों, कई बार जन्म चुका है कि कहां पर 14 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। दोस्तों लंगनाज जो गुजरात में पड़ता है वहां पर प्राप्त हुए हैं, और इनकी जो उत्खनन कराया था एच डी संकालिया ने कराया था। उत्तर प्रदेश, ये भी विशेष महत्वपूर्ण है। यहाँ इलाहाबाद प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थित सराय नहर राय अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ का उत्खनन कार्य जीआर शर्मा द्वारा संपन्न हुआ। यहाँ एक छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त अनेक छोटी भट्टियाँ, ठीक है, आप देख सकते हैं भट्टी क्या होती है दोस्तों, भट्टी जिसमें कोयला वगैरह जलाया जाता है, एक बड़ी सामुदायिक भट्टी, झोंपड़ी का फर्श और कई कब्रें मिली हैं। यहीं से स्तंभ गर्त के भी प्रमाण मिले हैं। नोट डाउन करना, स्तंभ गर्त का अर्थ है रहने के फर्श पर ऐसे गर्त जिनमें स्तंभ गाड़े गए हैं और उन पर छत बनाई गई है। यहाँ से ढेर सारे नरकंकाल भी प्राप्त हुए हैं। कुछ अस्थि तथा सींग निर्मित उपकरण भी मिले हैं। समाधानों से तत्कालीन मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश पड़ता है। समाधि स्थल में शवों का सिर पश्चिमी तथा पैर पूर्व की ओर मिलना प्राप्त हुआ है। वहाँ पर प्रतापगढ़ जिले में स्थित मेदहा अन्य प्रमुख मध्यपाषाणिककालीन स्थल है। यहाँ की खुदाई 1978 से 80 के बीच की गई। यहाँ से भी स्तंभ गर्त के साक्ष्य पाए गए। यहाँ हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं। इनमें मृगश्रग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण शामिल हैं। यहाँ से बारहसिंगा, भैंस, हाथी, गेंडा, सुअर, कछुए और पत्तियों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से अनेक ऐसे समाधान मिले हैं जिनमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। नोट डाउन करना, विशेष महत्वपूर्ण है ये। यहाँ से एक ऐसे समाधान मिले हैं अनेक जिनमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। मेदहा से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा। नोट डाउन करना दोस्तों, मेदहा अलग है और दमदमा अलग है, ये क्योंकि दोनों नाम सेम से लगते हैं। मेदहा से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पट्टी तहसील पुरास्थल है। 1982 ईस्वी से 87 तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से ब्लेड, फलक, ब्यूरिन, तक्षणी आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी तथा सींग के उपकरण
एवं आभूषण भी मिले हैं इनमें। इनके साथ साथ नोट डाउन करना विशेष महत्वपूर्ण, दमदमा में 41 समाधान मानव समाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गेंडा, सूर आदि की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कुछ पक्षियों, मछलियों, कछुए आदि की भी हड्डियां मिली हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में स्थित चौपानी मांडू नामक प्रायस्थल स्थल से पूर्व पाषाणिक काल से लेकर उत्तर मध्य पाषाणिक काल तक की संस्कृतियों का एक अनुक्रम देखने को मिलता है। यहाँ हाथ के बने अनगढ़ किस्म के मृदवांड भी मिले हैं। यहाँ झोंपड़ी के गोल फर्श भी मिले हैं। उत्तरवर्ती चरण का एक फर्श पत्थरों से बना हुआ है। इस चरण में सरकंडे और बांस के निशान वाले पकी मिट्टी के पिंड भी मिले हैं, जिनसे लगता है कि मिट्टी और बांस की टट्टी की दीवारें बनाई जाती थीं। अन्य अवशेषों में हथौड़ा पत्थर, छिलाई में प्रयुक्त होने वाले पत्थर, छिद्रयुक्त गोल पत्थर आदि शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का विंध्य तथा ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र मध्य पाषाणिक कालीन उपकरणों के लिए समृद्ध है। मिर्जापुर जिले में स्थित मोरहाना पहाड़, बहगी खोर, लेखैया आदि से मध्य पाषाणकालीन प्रमाण मिले हैं। इन स्थानों से बहुसंख्यक लघु पाषाण उपकरणों के साथ साथ नरकंकाल भी मिले हैं। लेखैया से 70 नरकंकाल, दोस्तों नोट डाउन करना है, लेखैया से 70 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश सिर पश्चिम की दिशा में हैं। पश्चिम बंगाल, यहाँ के वर्धमान जिले में दामोदर नदी के किनारे स्थित बीरभानपुर एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक प्रायस्थल है, जहाँ 1954 से 1957 के बीच बीबी लाल ने उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ ऐसे अनेक गड्ढे एवं भूछिद्र मिले हैं, जिनके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि ये छिद्र खंभे गाड़ने के लिए खोदे गए गड्ढे हैं। इस पुरातात्विक स्थल की पहचान संयुक्त आवासीय बस्ती एवं प्रस्तर औजारों की निर्माण स्थली के रूप में की गई है। यहाँ झोंपड़ियाँ भी बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश, यहाँ के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़, नोट डाउन करना दोस्तों, यहाँ के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़, क्योंकि दोस्तों जो गुजरात का बागोर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़, ये विशेष महत्वपूर्ण है, दोनों को आप रट लेना, जरूर आते हैं। होशंगाबाद, यहाँ के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ शैलास्त्र समूह में 25,000 सूक्ष्म पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। इन आश्रयों में जो सामग्री मिली है उनमें मुख्य रूप से गधे का टूटा हुआ अग्रभाग, गोल छल्ले पत्थर तथा पालतू पशुओं, कुत्तों, बकरी, भैंस, भेड़, सुअर, सांवर, बारहसिंगा, हिरन, खरगोश आदि की अस्थियां शामिल हैं। यहाँ का प्रस्तर उद्योग एक ओर धार वाले फलकों पर आधारित था। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के दो शैलाशिलाएं मिले हैं, जिनका नाम जम्बूद्वीप और डोरोथी द्वीप है। यहाँ गैर मृदवांड सूक्ष्म पाषाण चरण के बाद मृदवांड सूक्ष्म पाषाण चरण का प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, नोट डाउन करना विशेष महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की तीसरी परत से मृदवांड विहीन सूक्ष्म पाषाण उद्योग का पता चला है और परत दो एवं एक से मृदवांडों से युक्त सूक्ष्म पाषाण उद्योग का पता चलता है। महाराष्ट्र, सन 1950 ईस्वी में के आर वी टॉड
ने बम्बई के आसपास के कुछ तटवर्ती सूक्ष्म पाषाण ठिकानों का वर्णन किया। यहाँ के लोगों के पास शायद किसी प्रकार की नावें थीं और मछलियाँ उनके आहार की स्थायी वस्तुएँ थीं। कोंकण के तटवर्ती क्षेत्रों में कासुसोल, जनीरे, बावलगो, जलगढ़ आदि से सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के दुनिया एवं पुणे जिलों से भी ऐसे ही प्रापशेष मिले हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, गिद्दुलर और रेणुगुंटा के स्थलों से मध्य पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक, यहाँ बंगलौर के निकट जलाल हल्ली के आसपास स्थित पुरातात्विक स्थलों में एक विशेष प्रकार के स्फटिक उद्योग का संचालन किया जाता था। यहाँ के प्रस्तर औजार उद्योग की एक नवीन विशेषता रोमन लिपि के डी के अक्षर के आकार के तिरछे फलकों का उत्पादन है। कर्नाटक के संगनकल्लू, बेलगांव आदि से भी क्वार्टर्स से निर्मित सूक्ष्म पाषाण उपकरण औजार प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु, यहाँ टेरी समूह नाम से ज्ञात तटवर्ती प्रागैतिहासिक स्थलों के विशिष्ट समूह का पता चला है। यहाँ के प्रस्तर उद्योग का प्रमुख कच्चा माल स्फटिक और हल्का भूरा मृग प्रस्तर है। यहाँ की सल्क परंपरा बहुत सशक्त है एवं छोटी चक्राकार गुल्लियाँ तथा सल्क अर्धचंद्राकार तिरछी नोक वाले तीर और बेदनियाँ यहाँ के मुख्य प्रस्तर औजार थे। यहाँ का प्रस्तर उद्योग प्रस्तर मान दोस्तों पत्थर, नोट डाउन करना, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। यहाँ का प्रस्तर उद्योग वस्तु तटवर्ती मध्यकालीन मछुआरा समुदाय का उद्योग था। जीवन शैली, मध्य पाषाण कालीन जीवन का जीवन पूर्व पाषाण कालीन मानव की अपेक्षा भिन्न था। यद्यपि वे अब भी अधिकांश शिकार पर ही निर्भर थे, यद्यपि इस काल के लोग गाय, बैल, भेड़, भैंसा आदि का शिकार भी करने लगे थे। पशुओं से धीरे धीरे उनका परिचय बढ़ गया था। अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में मृदवांडों का निर्माण करना भी सीख गए थे। सराय नहर्राय तथा मैदा की समाधियों से इस काल के लोगों की अंत्येष्टि संस्कार विधि के विषय में जानकारी मिलती है। ज्ञात होता है कि वे अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे तथा उनके साथ सामग्रियां, औजार, हथियार भी साथ रखते थे। यह किसी प्रकार का लोकोत्तर जीवन में विश्वास का सूचक था। पत्थर की गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्रों और नक्काशियों से नपाषाणकालीन युग के सामाजिक जीवन और आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित जानकारी मिलती है। भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर मध्य पाषाण युग की कला और चित्रकला की दृष्टि से समृद्ध हैं। ये पश्चिम उत्तर पाकिस्तान में चारगुल से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक और उत्तर में कुमाऊं की खाड़ी से लेकर दक्षिण में केरल तक पाए जाते हैं। लेखा चित्रों में शैलचित्रों के महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में मुरहाना पहाड़, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़, लाखाजवार और कर्नाटक में कुप्पागुल। इन चित्रों से शिकार करने, भोजन जुटाने, मछली पकड़ने और अन्य मानवीय क्रियाकलापों की झलक मिलती है। भीमबेटका में काफ़ी चित्र मिले हैं। इनमें बहुत से जंगली जानवरों जैसे जंगली सुअर, भैंसे, बंदर और नीलगाय के चित्र मिले हैं।
आजमगढ़ की शैलाश्रय श्रृंखलाओं की गैंडे के शिकार वाले चित्र से पता चलता है कि बड़े जानवरों का शिकार बहुत से लोगों द्वारा मिलकर किया जाता था। पशुओं का चित्रांकन मोटी रेखाओं द्वारा किया गया है और उनके शरीर को कई बार पूर्णत अथवा अंशत आड़ी रेखाओं से भरा गया है। इन तीनों तरीकों के उदाहरण उत्तर प्रदेश में मुरहाना पहाड़, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आजमगढ़ की गुफाओं और शैलाश्रयों में खींचे गए पशुओं के चित्र देखे जा सकते हैं। चित्र बनाने में गहरे लाल, हरे, सफ़ेद और पीले रंगों का उपयोग किया गया है। इन चित्रों और नक्काशियों से यौन संबंधों, बच्चों के जन्म, बच्चे के पालन पोषण और शव दफन से संबंधित अनुष्ठानों की भी जानकारी झलक मिलती है। इन सब बातों से यह संकेत मिलता है कि मध्यप्रसारण युग में प्रापसारण युग की अपेक्षा सामाजिक संगठन अधिक सुदृढ़ हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यप्रसारण युग में के लोगों का धार्मिक विश्वास पारिस्थितिक और ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यप्रसारण युग के लोगों का धार्मिक विश्वास पारिस्थितिक और भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल जेबी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना। अगर दोस्तों किसी को PDF लेनी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 87 55 47 53 12 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।